असलम वेलकम टू माई चैनल उर्दू मीडियम लेसन मेरे नए वीडियोज़ देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें बच्चों आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से बच्चों अब हम सबक नंबर आठ संतरा सबक पढ़ेंगे तीसरी जमात की उर्दू की बाल भारती की किताब से संतरा सबक नंबर आठ आहा संतरा संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भराता है गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से राहत मिलती है कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है संतरे का छिलका नरम और छिलने में आसान होता है इसमें आठ दस काशें होती है संतरे के छिलकों में भी रस होता है लेकिन वो बहुत कड़वा होता है बच्चों देखो किस किस को आम पसंद है अभी गर्मी का मौसम है तो अभी आम है तो ऐसे ही यहाँ पर ये सबक में संतरा है तो संतरे किसको पसंद है किसी सब बच्चों को एक जैसे फ्रूट्स पसंद नहीं होते जैसे मुझे संतरा पसंद है तो आप लोगों को कौन से फ्रूट्स के नाम पसंद है और आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है तो ये यहाँ पर हम संतरे के बारे में सबक पढ़ेंगे तो संतरे का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में क्या आता है पानी भराता है ये गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से क्या होता है राहत मिलती है सुकून आराम मिलता है हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है बच्चों कोई भी संतरा जब खाता है तो खाता ही चला जाता है पकने के बाद बड़ा खुश रंग दिखाई देता है जब ये पहले कैसे होता है हरा होता है उसके बाद इसका कलर कैसे हो जाता है ऑरेंज हो जाता है संतरे का छिलका नरम और छिलने में क्या होता है आसान भी होता है तो इसका जो रस है संतरे के छिलके का रस वो कड़वा होता है बच्चों इसमें आठ दस काशे होती है काशे यानी पाक जो उसमें ऐसे लेयर्स होते हैं फ्रूट्स में ऐसे हम तोड़ के खाते हैं उसको काशे बोलते हैं ले और उसका संतरे का जो छिलके का रस है वो कैसा होता है एकदम कड़वा होता है हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है इसकी सबसे बड़ी मंडई नागपुर में है नागपुर संतरे का शहर कहलाता है यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं देखो हमारे जो हिंदुस्तान मुल्क है उसके अंदर नागपुर बहुत फेमस है मशहूर संतरा वहाँ पर बहुत मिलता है और अलग अलग शहरों में वहाँ पर वहाँ से पहुँचाया जाता है और मुख्तलिफ़ दुनिया के मतलब जो अलग अलग मुल्क है कंट्रीज़ हैं वहाँ भी नागपुर से भेजे जाते हैं संतरे गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है और उसका जो प्राइस भी है बच्चों बहुत रिजनेबल प्राइस है मतलब अमीर गरीब कोई भी उसको खा सकता है ज़्यादा महंगा भी नहीं सस्ता भी नहीं कुछ लोग खाने के बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है संतरा हमारी सेहत के लिए क्या है बहुत ही मुफीद यानी फ़ायदेमंद है तो हमें संतरे का रस पीना चाहिए संतरे संतरे कली में लगाकर उगाते हैं कल में अट्ठारह बीस फुट के फासले पर लगाई जाती हैं एक काम बारिश के दिनों में होता है कलम लगाना यानी देखो बच्चों नया पौधा उगाने के लिए पौधे की शाख काटकर ज़मीन में लगाना नया पौधा उगाने के लिए क्या करते हो लोग पौधे की शाख काट कर ज़मीन में ऐसे लगाते हैं वो लो। लोग मैंने भी उसको नहीं देखा है कैसे बनते हैं वो लेकिन इसमें बताया गया है कि संतरे कल में लगा कर उगाते हैं ठीक है फिर उसके बाद बीस फुट अट्ठारह फुट के फासले में लगाई जाती है दूर दूर लगाते वो और बारिश के दिनों में ये काम करते वो लोग किसान लोग संतरे के दरख्त जब जरा बड़े हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इनके तनों पर दवाई लगाई जाती है अब कोई भी फ्रूट हो सब्ज़ी तरकारी उसको कीड़े मकोड़े खाते तो उसके लिए उन लोग क्या करते हैं बचाने के लिए वो दरख्त को इनके तनों पर मतलब उनके जो झाड़ जो दरख्त है उसके ऊपर क्या करते लोग दवाई छिड़कते हैं जड़ों में खाद डाली जाती है और जो ज़मीन के नीचे उनके जड़ रहते हैं वहाँ पर खाद डालते वो लोग ठीक है पानी हो गया जैसे दूसरी चीज़ें खाद की होती है वो डालते हैं जिससे दरख्त जल्दी उगते हैं हर दरख्त के गिर बड़ी क्यारियाँ क्यारी बनाते हैं और इसे महीने में दो तीन बार पानी से भर दिया जाता है क्यारी यानी गमले की तरह होते वो उसके अंदर पानी वो लोग हर महीने में दो तीन बार भरते हैं चार साल में दरख्त पर फूल फल लगने शुरू हो जाते हैं तो ये जब पौधा उगाते हैं वो लोग तो दरख्त बनने के लिए उसको चार साल लगते हैं दरख्त उगने के बाद फिर उसमें फल और फूल दोनों आ जाते हैं पहली दो तीन फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं ताकि दरख्त खूब मज़बूत हो जाए और इनमें अच्छे संतरे आने लगे देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है दरख्त उगाने पहले के तीन जो फसलों के फसल पहली दो तीन फसल जो लोग उगाते हैं तो वो फल क्या करते वो लोग तोड़ के फेंक देते मतलब दो तीन मौसम के बाद फिर जब वो दरख्त मजबूत हो जाता है एकदम बड़ा होकर घट हो जाता है तो उसके अच्छे संतरे आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं बेचते हैं फिर पाँच छः साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं तो वो संतरे का जो दरख्त है उसको बनने के लिए अच्छा मज़बूत पाँच छः साल लगते हैं उसको फिर उसमें बहुत अच्छे फल आते भी हैं और दरख खूब घने होते हैं इन पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो इनके बोझ से डालियाँ झुक जाती है जब उसमें बड़े बड़े संतरे लगते हैं तो उसकी जो डालियाँ वो भी नीचे आ जाती है कभी कभी वो टूट भी जाती हैं इसलिए बाग़बान डालियों को बांस का सहारा देते हैं तो जब टूटने लगती हैं डालिया तो उसको वहाँ के जो देखभाल करने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं बाग में ऐसे डाली जो रहती है बांस का लकड़ियों का सहारा लेकर उसको ऊपर उठाकर वो लोग रखते हैं तो डालियाँ है क्या होती है टूट जाती है और संतरे भी ख़राब हो सकते हैं संतरे की फसल साल में दो बार फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है संतरे देखो साल में दो बार आते हैं एक फरवरी और मार्च में और एक सितम और अक्टूबर में आती है हर दरख्त पच्चीस तीस साल तक फल देता है देखो बच्चों, हर एक जो दरख्त है जब वो लोग उगाते हैं तो पच्चीस से तीस साल उसको बनने के लिए ही पाँच छः साल लगते हैं, फिर उसके बाद जब वो बन जाता है तो उसको और पच्चीस तीस साल वो फल देते रहता है हर साल संतरे के दरख्तों को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं बल्कि कई बार तो बाकी सारे दरख्त सूख जाते हैं देखो जब संतरे को हम पानी नहीं देंगे संतरे के दरख्त को तो वो फल कम भी देता है और सूखते भी कोई भी तुम दरख्त पौधे को पानी ना डालो तो वो सूख ही जाते इस नुकसान से बचने के लिए नहरें और कुएँ खुदवा कर हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है अब नई नई खाद और दवाएं भी इस्तेमाल होने लगी हैं इसलिए संतरे के बाग़ साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं तो जो हमारी हुकूमत है गवर्नमेंट है वो लोग क्या कर रहे हैं नहरें खेत में या फिर बागों में नहरें पानी की जो लाइन है वो कुएँ खुदवा रहे वो लोग गवर्नमेंट वाले इससे आपपाशी का क्या हो रहा है पानी का इंतज़ाम हो रहा है और नई नई खाद और दवाई अगर डालेंगे तो उसके अंदर क्या होते हैं बाग़ में हरियाली रहती है और साल भर क्या होती है हरियाली नज़र आती है क्योंकि उसमें अच्छी खाद और दवाई का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यार कीड़े मकोड़े ना खाएँ और दरख्त सूख ना जाएँ तो देखो ये कितनी कितना अच्छा सबक है जिससे हमें संतरे के बारे में कितनी सारी मालूम हासिल हुई है कि संतरे को कैसे उगाया जाता है उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और हमारी सेहत के लिए वो कितना मुफीद और फायदेमंद है तो बच्चों ये आप भी खाया करो रोज़ाना अब हम देखेंगे अल्फाज के मानी मुंह में पानी भर आना इसका मतलब है खाने की किसी मज़ेदार चीज़ का नाम सुनकर मुंह में पानी आना अभी हम कोई भी चीज़ का सोचते हैं तो हमारे मुंह में अचानक पानी आ जाता है जैसे कि इमली है कई है तो ऐसे ही फ्रूट्स में भी है आम है संतरा है जो खट्टी मिट्टी चीज़ें होती है उससे मुँह में पानी भर आता है राहत यानी खुशी खुश रंग यानी अच्छे रंग वाला काश यानी फांक जो फ्रूट्स के अंदर अलग अलग ऐसे पीसीस होते हैं उसको बोलते हैं फांक मुफीद यानी फायदेमंद जो हमें फायदा पहुंचाता है वो मुफीद कहलाता है कलम लगाना यानी नया पौधा उगाने के लिए पौधे की शाख काट कर जमीन में लगाना अभी कोई नया पौधा हम उगाने के लिए जाते हैं तो दूसरे पौधे की शाख को लेकर काट कर जमीन में उसको लगाते हैं पौधे के साथ क्योंकि वो पौधा झुक कर टूट ना जाए आबपाशी यानी खेत या बाग में पानी पहुंचाना